हेलो गाइस, वेलकम टू फिनस्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं इजीफाई ने जो अपना यील्ड फार्मिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है उसके बारे में। ये जो प्रोग्राम है उन्होंने 9 मार्च से लॉन्च कर दिया है, एंड इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उस यील्ड फार्मिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड अपने क्रिप्टो को वहाँ पर स्टेक करते हुए इजीफाई टोकन को हासिल कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में उन्होंने 3 स्टेबल कॉइन की मार्केट्स जैसे कि USDC, DAIA एंड USDT, इसमें जो ये यील्ड फार्मिंग जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट किया है। अगर आप इन तीनों जो स्टेबल कॉइन है, इन तीनों में से किसी भी स्टेबल कॉइन को वहाँ पे स्टेक करते हैं, उसके बदले में आपको जो इजीफाई के टोकन है आप उसको फार्म कर सकते हैं। इसके अंडर डेली बेसिस पे 120 इजीफाई टोकन्स हर एक मार्केट में USDC, USDT, DAIA में डेली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे उन लोगों को जो कि वहाँ पे जो अपनी क्रिप्टो है स्टेक करेंगे। तो डेली बेसिस पे 120 इजीफाई टोकन्स होंगे हर किसी जो अपनी मार्केट है, अलग अलग 3 मार्केट्स हैं, अगले 180 दिन तक। तो जो टोटल प्रोग्राम है इसमें $1.5 मिलियन के जो इजीफाई टोकन्स है उनको आप हासिल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी क्रिप्टो स्टेक कर सकते हैं एंड उस पर इंटरेस्ट लेके हुए साथ में आप इजी जो टोकन्स हैं उनको भी अर्न कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमने easyfi.network की वेबसाइट खोली है एंड अब हम ऐप पे जाएंगे यहाँ पे, एंड ऐप पे क्लिक करने के बाद ऑलरेडी हमारा जो क्रोम एक्सटेंशन है यहाँ पे मेटामास्क का वो हमने लगा रखा है, एंड जो हमारा क्रोम यहाँ पे मेटामास्क का जो भी हमारा अकाउंट है वो यहाँ पे वॉलेट जो है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुका है। एंड हमने यहाँ पे मेटामास्क में जाके जो है मैटिक मेननेट भी यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर रखा है, बिकॉज easyfi में आप मैटिक के जरिए ही काम कर सकते हैं, इथेरियम मेन नेट पे नहीं, मैटिक के ऊपर चलता है, बिकॉज जो गैस फीस है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको बचाने के लिए और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो करने के लिए यहाँ पे किया गया है। तो अब आपको जो फार्मिंग करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जो 3 स्टेबल कॉइन की मार्केट्स हैं USDT, DAIA एंड USDC, इन तीनों में से किसी एक में जाके आपको डिपॉजिट करना होगा एंड उसके बदले में आपको इंटरेस्ट बेयरिंग टोकन्स मिलेंगे। अगर आप USDT जो है ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको EUSDT मिलेंगे, DAIA करते हैं तो EDAIA एंड USDC करते हैं तो EUSDC। तो जो इंटरेस्ट बेयरिंग टोकन्स होते हैं राइट, अगर जब आप मान लीजिए आपको है कि easyfi में जो आपने एसेट्स सप्लाई किए हैं उसको वापस निकालना है, तो आपको जो इंटरेस्ट बेयरिंग ई टोकन्स होंगे वो आपको वापस करने होंगे, जो कि आपके जो मेटामास्क के वॉलेट है उसमें स्टोर होना शुरू हो जाएगा जैसे ही आपने जो है यहाँ पे सप्लाई स्टार्ट कर दी। तो वो जो टोकन्स हैं उन टोकन्स को आपने आगे स्टे करना है एंड उसके बाद जो है आप फार्म कर पाएंगे इजी टोकन को। तो यहाँ पे फार्मिंग पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे 2 तरह की है, एक ड्यूल फार्मिंग एंड लिक्विडिटी फार्मिंग। जब आपने सप्लाई कर दिया एंड आपको उसके बदले में अगर आपने USDT करा तो EUSDT अगर आपको मिल गया उसके बाद आप लिक्विडिटी फार्मिंग में यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे। यहाँ पे डिपॉजिट करने के बाद इन तीनों में से कोई भी मार्केट में जो भी आपने रिस्पेक्टिव, अगर आपने USDT करा है तो उस हिसाब से EUSDT में जाना है, एंड डिपॉजिट करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेली कितना 120 इजी आपको जो है वो सप्लाई होंगे 180 डेज के लिए। स्टार्टिंग टाइम 9th मार्च से जो प्रोग्राम है स्टार्ट हो चुका है एंड easyfi की ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वैल्यू भी बढ़ रही है, तो ये काफ़ी बढ़िया इनका प्रोग्राम है जिसमें आपको फार्म करके ईजी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप डिपॉजिट करिए एंड उसके बदले में आपको क्या है जो इजी टोकन्स है वो आप ले सकते हैं। तो ओवरऑल जो है वो अलग अलग तरीके के यहाँ पे ऑप्शंस लेके आ जाने और नए नए प्रोग्राम्स easyfi लेके आ रहा है ताकि जो यूजर्स है अपनी क्रिप्टो को काम पे लगा सकें। तो गाइस, आपने यहाँ पे देखा कि कैसे आप जो easyfi का जो यील्ड फार्मिंग प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड जो इजी टोकन है उसको फार्म कर सकते हैं एंड ईजीली जो आपके पास क्रिप्टो एसेट्स जो पड़े हुए हैं स्टेबल कॉइन्स में 3 अलग अलग मार्केट्स USDT, DAIA एंड USDC में वहाँ पे जाके आप इजी टोकन्स को अर्न कर सकते हैं। तो हमने पहले भी न्यूज़ में कवर किया था कि जो easyfi नेटवर्क है वो एक्सपैंड हो रहा है बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर, तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी पहले। एंड ऑलरेडी ये मैटिक नेटवर्क जो कि अभी रीब्रांड हो चुका है पॉलीगॉन नेटवर्क पे एंड इथेरियम मेननेट पर भी ये ऑलरेडी है, तो 3 चेन्स पे ऑलरेडी easyfi को एक्सपैंड कर चुके हैं। एंड इसकी वजह से अगर आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में अगर हम रोड मैप भी देखें टीम का, तो वो यही कहते हैं कि हम मल्टी चेन लैंडिंग प्रोटोकॉल बनना चाहते हैं। इसकी वजह से आपको अलग अलग चेन्स के एसेट्स को आप एक ही जगह पे जाके डिपॉजिट कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं एंड इंटरेस्ट कमा सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपको अलग अलग प्रोटोकॉल्स, अलग अलग
वेबसाइट्स पे जाके, एप्लीकेशंस पे जाके अपनी क्रिप्टो को स्टेक नहीं करना पड़ेगा, एंड एक ही जगह पे आप इंटरेस्ट जो है वो कर सकते हैं। इसकी वजह से इजीफाई जो है वो यूनिवर्सल लैंडिंग प्रोटोकॉल बन के उभर रहा है। ऑलरेडी 3 बड़ी बड़ी चेन्स, चाहे वो पॉलीगन हो, इथीरियम हो, चाहे फिर वो बीएससी हो, उस पर आ चुका है। एंड आने वाले टाइम में ये कहा जा रहा है कि और भी जो चेन्स है उसके ऊपर आएंगे, एंड उसके जो एसेट्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई जो एसेट है वो अलग एल्गोरेंट की चेन के ऊपर है, या फिर किसी और जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर बना हुआ है, तो उसके जो एसेट है उसको भी आप स्टेक कर सकते हैं, एंड उसके ऊपर भी इंटरेस्ट जो है वो कमा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है इसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, एंड जिस तरीके से इनोवेटिव तरीके से जो कम्युनिटी को इंगेज करने की कोशिश है, जैसे कि अभी यील्ड फार्मिंग मैंने आपको बताया, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइप पे डीफाई में है वो है अंडर कोलेटराइज लोन्स ना हो पाना। सारे के सारे जो इस टाइम पे लोन्स इशू होते हैं डीफाई में वो ओवर कोलेटराइज लोन्स होते हैं, जबकि आप जो ट्रेडिशनल फाइनेंस की मार्केट्स होते हैं उनमें सबसे बड़ी सहूलियत ये होती है कि आपको अंडर कोलेटराइज लोन्स मिल सकते हैं। अभी आपको 150 से 200% ज़्यादा जो है अपना कोलेट्रल देना पड़ता है डीफाई में। जैसा कि मान लीजिए अगर आपको $100 का लोन लेना है तो आपको $150 का कोलेट्रल देना पड़ेगा, तो उस लोन का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इजीफाई जो है वो ट्रस्ट स्कोर जैसी नई नई इनोवेटिव चीज़ें लेके आ रहा है, जिसकी वजह से जो भी आपने पुराने लोन लिए हैं आपका जैसे सिबिल इंडिया में होता है उसी तरीके से आपका एक ट्रस्ट स्कोर बनेगा। जो भी आपका एथेरियम का, पॉलीगन का जो भी एड्रेस है उसको कनेक्ट करके चेक किया जाएगा कि जो पहले आपने लोन्स लिए थे वो कितनी देर में आपने चुका दिए, एंड उसके बेसिस पे आपका जो है वो ट्रस्ट स्कोर बनेगा, एंड आपको अंडर कोलेटराइज लोन्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी डीफाई के अंदर, एंड इस प्रॉब्लम को इजीफाई सॉल्व कर रहा है ट्रस्ट स्कोर का कॉन्सेप्ट लेके। तो आप सोचिए अगर आपका ट्रस्ट स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़िया हुआ तो आपको कम जो है कोलेट्रल देना पड़ेगा, एंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी चीज़ हो जाएगी। तो ये जो सारी डेवलपमेंट है इजीफाई को नेटवर्क को और एक्सपैंड करेंगी, और जैसे जैसे अलग अलग चेन्स एंटर होंगी, अभी अगर आप देखेंगे एथेरियम, यूएसडीटी, यूएसडीसी एंड डाया ही हैं, तो आने वाले टाइम में आप और जो एसेट्स हैं उनको स्टेक कर सकते हैं, उस पर इंटरेस्ट कमा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने यील्ड फार्मिंग प्रोग्राम अभी 3 मार्केट्स में ओपन करा है, आने वाले टाइम में और मार्केट्स में करेंगे, और चेन्स आएंगी, एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इसमें डेवलपमेंट हो सकती है। तो गाइस अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर वीडियो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, एंड फिनस्ट्रीट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू गाइस।